Hare Krishna and good morning all of you. Students, today I will tell you the remaining packet size of the lesson Chiku and Chumbi. Okay? Exercise is grammar workshop. Grammar से related exercise अब हमको करना है और grammar से related क्या exercise करनी है? Making adjectives from nouns. हमको nouns से adjective को form करना है. ठीक है? अब सबसे पहले nouns क्या होते हैं? Noun is the name of any person, place, animal, bird or thing. किसी भी पर्सन मीन्स व्यक्ति, प्लेस, एनिमल, बर्ड और थिंग, इसका कोई नाम होता है तो उसको हम नाउन बोलते हैं. और एडजेक्टिव क्या वर्ड होते हैं? जो नाउन की विशेषता बताने के लिए कोई जो वर्ड यूज किए जाते हैं उनको एडजेक्टिव बोला जाता है. अब जैसे मान लीजिए मैंने बोला राम इज अ गुड बॉय, ठीक है, इसमें नाउन है राम और गुड है एडजेक्टिव. तो राम, क्योंकि गुड जो है वो राम की विशेषता है, सो यहाँ पर गुड एडजेक्टिव हो जाएगा और राम हो जाएगा नाउन हो जाएगा. ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर और देखेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा. देखिए, जैसे रिया वॉज वेरी चेयरफुल दैट डे. रिया वॉज वेरी चेयरफुल दैट डे. रिया बहुत चेयरफुल थी उस दिन. ओके, राजू कट ऑल द हेल्दी ब्रांचेस. राजू ने सारी हेल्दी ब्रांचेस काट दी. अब फर्स्ट सेंटेंस में रिया वॉज वेरी चेयरफुल दैट डे, इसमें चेयरफुल एडजेक्टिव है. और सेकेंड सेंटेंस में हेल्दी ब्रांचेस, मतलब उसने कैसी ब्रांचेस काट दी? हेल्दी ब्रांचेस. ब्रांचेस कैसी थी? हेल्दी थी. ठीक है, ब्रांचेस की क्वालिटी क्या थी? कि वो हेल्दी थी ब्रांचेस. तो यहाँ पर हेल्दी एडजेक्टिव हो गया. ओके, इन द फर्स्ट सेंटेंस चेयरफुल इज एन एडजेक्टिव विच हैज बीन मेड बाय एडिंग एफ यू एल टू द नाउन चेयर. फर्स्ट सेंटेंस में चेयर नाउन, चेयर वर्ड में फुल एड करके यहाँ पर चेयरफुल एडजेक्टिव हो गया है. और सेकेंड सेंटेंस में हेल्थ विच हैज बीन मेडिंग बाय टू द नाउन हेल्थ, हेल्थ वर्ड में y एड करके हेल्दी एडजेक्टिव बन गया है. ठीक है, हेल्थ मीन्स होता है सेहत और हेल्दी मीन्स होता है सेहत से भरा हुआ. हेल्दी का मीनिंग होता है सेहत से भरा हुआ, मतलब जो काफी हेल्दी है. ठीक है, अब यहाँ पर हम वी कैन मेक एडजेक्टिव्स फ्रॉम नाउन्स इन द फॉलोइंग वेज. अब यहाँ पर कुछ वेज दिए हैं जिनकी थ्रू हम नाउन से एडजेक्टिव को फॉर्म कर सकते हैं. जैसे बाय एडिंग वाई, जब हम नाउन वर्ड में वाई को ऐड कर दें तो वो नाउन वर्ड जो है वो एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है. जैसे एयर, एयर मीन्स होता है हवा, एयरी मीन्स होता है हवादार. ठीक है, अब एयर वर्ड जो है ना वो नाउन है और एयरी है एडजेक्टिव. दिस रूम इज वेरी एयरी, ये रूम बहुत एयरी है, बहुत हवादार है. तो रूम की क्वालिटी बताई कि ये बहुत एयरी रूम है. ठीक है, तो ये तो एडजेक्टिव हो गया. अब दिस रूम हैज अ लॉट ऑफ एयर, इस रूम में बहुत सारी हवा है. यहाँ पर एयर वर्ड जो है ना वो रूम की क्वालिटी नहीं बता रहे, वहां पर सिर्फ ये बता रहे कि रूम में काफी सारी एयर है. ठीक है, या दिस बलून हैज अ लॉट ऑफ एयर, इस बलून में बहुत सारी एयर है. ठीक है, और दिस रूम इज वेरी एयरी, इस रूम में बहुत, ये रूम बहुत हवादार है. तो एयरी एडजेक्टिव हो गया और एयर हो गया नाउन. ओके, नेक्स्ट वर्ड डस्ट से बन जाएगा डस्टी. डस्ट के एंड में जब हम वाई ऐड कर देंगे तो बन जाएगा डस्टी. डस्ट मीन्स होता है धूल और डस्टी मीन्स होता है धूल वाला. दिस रूम इज वेरी डस्टी, ये रूम बहुत गंदा है, बहुत धूल वाला कमरा है, है ना. तो कमरे की क्वालिटी क्या होगी कि बहुत सारी धूल वाला है. ठीक है, सो यहाँ पर डस्ट से डस्टी बना. फन से फनी, फन मीन्स होता है मजाक और फनी मीन्स होता है मजाक किया. दैट बॉय इज वेरी फनी. ओके, सो उस बॉय की क्वालिटी हुई कि वो बहुत फनी है. ठीक है, उसके बाद बाय एडिंग एल वाई, जब हम नाउन वर्ड में एल वाई एड करते तो भी उनसे एडजेक्टिव्स बन जाते. इससे फ्रेंड से फ्रेंडली, फ्रेंड मीन्स होता है दोस्त और फ्रेंडली मीन्स होता है दोस्ताना. ठीक है, जिससे हम ऐसे बोलते हैं कि अ पैरट इज अ फ्रेंडली बर्ड. पैरट बहुत दोस्ताना, मतलब दोस्त बनाने वाले जैसा एनिमल है, इज अ फ्रेंडली एनिमल. ठीक है, तो ये नाउन हो गया और ये एडजेक्टिव हो गया. ईयर से बना ईयरली, ईयर मीन्स होता है साल और ईयरली मीन्स होता है सालाना. ठीक है, मेरी, जैसे मैं बोलूँ माई ईयरली इनकम इज दिस, माई ईयरली इनकम इज दिस मच, मेरी सालाना इनकम ये है. तो कौन सी इनकम? सालाना इनकम. तो यहाँ पर ईयरली वर्ड जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा. ठीक है, होम से होमली बना. होम मीन्स होता है घर और होमली मीन्स होता है घरे, मतलब जिसको घरेलू इस तरह से बोलेंगे. ठीक है, बाय एडिंग फुल, जब नाउन वर्ड में फुल ऐड, फुल को ऐड कर देते हैं तो उनसे भी एडजेक्टिव बन जाता है. चेयर से चेयरफुल, चेयर मीन्स खुशी और चेयरफुल मीन्स काफी खुश दिखने वाला, ऐसे खुशी जिसके अंदर खुशी बहुत हो, चेयरफुल पर्सन.
ठीक है। उसके बाद फियर, फियरफुल, फियर मीन्स होता है डर और फियरफुल मीन्स होता है डरावना। ओके, पीस, पीसफुल, पीस मीन्स होता है शांति और पीसफुल होता है शांतिदायक, शांति से भरा हुआ, जिसके अंदर शांति है, ठीक है, पीसफुल। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि हम किस तरह से नाउन वर्ड से एडजेक्टिव को फॉर्म कर सकते हैं। ओके, अब हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं। मेक द करेक्ट एडजेक्टिव फ्रॉम द नाउन्स गिवन इन ब्रैकेट्स एंड राइट देम इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं और ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हैं यहाँ पर, सो हमको नाउन वर्ड्स है, इनसे हमको एडजेक्टिव फॉर्म करना है। जैसे अभी हमने पढ़ा यहाँ पर रूल्स के में ये पढ़ा कि कैसे हम नाउन वर्ड से एडजेक्टिव बना सकते हैं, वही नाउन वर्ड से हमको एडजेक्टिव बनाकर यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। तन्वी बॉट अ डैश वॉच, तन्वी बॉट यहाँ पर ब्रैकेट में कॉस्ट दिया है, तो क्या हो जाएगा, तन्वी बॉट अ कॉस्टली वॉच, ठीक है। तन्वी ने एक महंगी घड़ी खरीदी, तो घड़ी की क्वालिटी क्या है, दैट इट इज कॉस्टली। ओके, उसके बाद द डैश क्रो पुट सम पेबल्स इन द पॉट। डैश क्रो, कैसे डैश क्रो ने, क्रो मीन्स कौए ने, पुट सम पेबल्स मीन्स पत्थर डाले, इन द पॉट बर्तन में पत्थर डाले। यहाँ पर ब्रैकेट में थर्स्ट, नाउन वर्ड क्या है, थर्स्ट मीन्स होता है प्यास। कैसे कौए ने, थर्स्टी क्रो, थर्स्ट से बन गया थर्स्टी, थर्स्टी क्रो पुट सम पेबल्स इन द पॉट। ये आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि एक क्रो होता था, तो वो उसको बहुत प्यास लग रही थी और मटके में नीचे काफी कम पानी था, तो उसने काफी सारे पेबल्स डाले तो पानी ऊपर आ गया था, तो वो कौआ क्या था, प्यासा था, थर्स्टी क्रो। कौए की क्वालिटी क्या है, दैट इट वॉज वेरी थर्स्टी, प्यासा था वो, ठीक है। द डॉग इज अ डैश एनिमल, यहाँ पर ब्रैकेट में वर्ड है फेथ, फेथ मीन्स होता है वफा, और फेथफुल मीन्स होता है वफादार। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर द डॉग इज अ फेथ एनिमल, डॉग एक वफा जानवर है, ऐसे तो हम नहीं लिख सकते ना, हम लिखेंगे वफादार जानवर है, तो हमको इसका एडजेक्टिव बनाना होगा फेथ का, तो डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। ओके, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। नेक्स्ट, अ पैरट इज अ डैश बर्ड, अ पैरट इज अ फ्रेंड दिया है, जैसे कि आपने कहा फ्रेंडली बर्ड। पैरट, अगर मान लीजिए मैं फ्रेंड फिल करती हूँ यहाँ पर, तो उसका मीनिंग क्या निकलेगा, पैरट एक दोस्त बर्ड है, ये सही नहीं लग रहा। पैरट इज अ फ्रेंडली बर्ड मीन्स जो फ्रेंड बन सके वैसा बर्ड है, हमारा फ्रेंड बन सके उस तरह का बर्ड है पैरट, ठीक है। सो यहाँ पर इससे फ्रेंड से हमने एडजेक्टिव क्या बनाया, फ्रेंडली, इसमें एल वाई एड हो गया एंड में। ओके, नेक्स्ट, द चिल्ड्रन वर सो डैश दैट दे एट ऑल द फूड। चिल्ड्रन बहुत डैश थे कि उन्होंने एट मीन्स खा लिया सारा खाना, हंगर मीन्स होता है भूख, चिल्ड्रन बहुत भूख थे, उन्होंने सारा खाना खा लिया, कि हम ऐसा सब लिखेंगे कि चिल्ड्रन बहुत भूखे थे तो उन्होंने सारा खाना खा लिया, करेक्ट क्या लग रहा है, भूखे थे। भूखे लिखने के लिए हमको हंगर से एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा और वो बनेगा हंग्री। द चिल्ड्रन वर सो हंग्री दैट दे एट ऑल द फूड, जो बच्चे बहुत भूखे थे इसलिए उन्होंने सारा खाना खा लिया, ठीक है। नेक्स्ट, द बॉयज रश्ड इन विद डैश स्लीपर्स। बॉयज, रश मीन्स अंदर, दौड़ कर आए, इन मीन्स अंदर, विद डैश स्लीपर्स, कैसी स्लीपर्स के साथ में वो अंदर आए, मड मीन्स होता है कीचड़, मड स्लीपर्स, कीचड़ स्लीपर्स के साथ में, कीचड़ से भरी हुई स्लीपर्स के साथ में, क्या लिखेंगे, मडी स्लीपर्स के साथ में। स्लीपर्स की क्वालिटी क्या है कि वो मडी थी, ओके, कीचड़ से भरी हुई थी, कीचड़ से सनी हुई स्लीपर्स थी, तो मड से हमने एडजेक्टिव बनाया मड यहां पर, ठीक है। तो आपको इस तरह से ये समझना है कि नाउन से कैसे एडजेक्टिव फॉर्म करेंगे। हम नाउन वर्ड को फिल नहीं कर सकते, हमको हर जगह नाउन वर्ड नहीं फिल हो सकता, हमको बताना पड़ता है कि किसी भी चीज की अगर क्वालिटी बतानी है तो हमको उसका नाउन वर्ड का एडजेक्टिव फॉर्म करना होता है, और हमने रूल्स पढ़े कि कैसे हम नाउन वर्ड से एडजेक्टिव को फॉर्म करते हैं। तो आप अच्छे से इस चीज को समझिएगा, ओके। एंड आप जबकि आपके पास जब बुक होगी तब आपको इस एक्सरसाइज को बुक में सॉल्व करना रहेगा, ओके। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वोकैबुलरी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। करेक्ट वर्ड से हमको ब्लैंक को फिल करना है। अब यहाँ पर देखते हैं हम, आई कांट रीच द शेल्फ इट इज वेरी, वो कोई बोल रहा है कि आई कांट रीच मीन्स पहुंचना, द शेल्फ अलमारी तक नहीं पहुंच सकता, इट इज वेरी। अब हमको यहाँ पर टू वर्ड्स दिए, हाई और फार, हाई मीन्स होता है ऊंचा और फार मीन्स होता है दूर, ठीक है। अब हम यहाँ पर अगर दूर फिल करते हैं तो आप सोचिए कि जब हम किसी भी अलमारी के से सामान कैसे निकालेंगे, उसके पास में खड़े होकर सामान निकालेंगे ना, हम उसके दूर तो खड़े होकर सामान नहीं निकालेंगे। तो हम यहाँ पर बोले कि अलमारी में से मैं सामान नहीं निकाल सकता क्योंकि मैं, मेरे से वो बहुत दूर है, तो हम तो बिल्कुल दूर खड़े होकर तो हम सामान नहीं निकालेंगे, तो फार वर्ड तो नहीं आएगा इसमें। अलमारी बहुत ऊंची है, हाई मीन्स ऊंची है, आप उसके पास खड़े हैं बट वो काफी ऊंची है इसलिए आप उसमें से सामान नहीं निकाल पा रहे, तो करेक्ट वर्ड क्या होगा यहाँ पर, हाई, ओके। सेकेंड सेंटेंस, आई एम स्केयर्ड टू क्रॉस द ब्रिज, मेरे को ब्रिज को क्रॉस करने में स्केयर्ड मीन्स डर लग रहा है,
इट इज वेरी डैश वाइड और नैरो, वाइड मीन्स होता चौड़ा और नैरो मीन्स होता सकरा, तो हमको कैसे ब्रिज को क्रॉस करने में डर लगेगा, सकरे ब्रिज को, नैरो ब्रिज को, तो यहाँ पर क्या आएगा नैरो, ओके। नेक्स्ट, माई ग्रैंड फादर इज नॉट फूलिश, मेरे ग्रैंड फादर मूर्ख नहीं है, ही इज वेरी क्लेवर और वाइज, ही इज वेरी वाइज, बुद्धिमान है वो बहुत, ठीक है। क्लेवर मीन्स होता है चतुर और वाइज मीन्स होता है बुद्धिमान, तो करेक्ट वर्ड जो अप्रोप्रिएट वर्ड जो है वो वाइज सही वर्ड है, तो यहाँ पर आएगा माई ग्रैंड फादर इज नॉट फूलिश, ही इज वेरी वाइज, ओके। फोर्थ सेंटेंस, डोंट टच द नाइफ, नाइफ को, नाइफ मीन्स होता है चाकू, चाकू को टच मत करो, इट इज वेरी डैश, वो बहुत ब्लंट होता है मीन्स जिसमें धार नहीं हो, और शार्प मीन्स होता है जिसमें बहुत धार हो, तो कैसे नाइफ को हमको टच नहीं करना चाहिए, शार्प नाइफ को, है ना, तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, शार्प, इट इज वेरी शार्प। इसको हमको समझ के इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना होता है, ठीक है, तो आपके पास जब होगी तब इस एक्सरसाइज को भी आपको बुक में ही सॉल्व करना रहेगा। एट लास्ट देयर इज वन मोर एक्सरसाइज इन दिस लेसन एंड दिस इज क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि क्रिएटिव मीन्स मन से सोच के, क्रिएटिव कुछ सोचना, अपने मन से कुछ सोचना और उसके बाद लिखना, तो क्रिएटिव राइटिंग जब हम करते हैं उससे हमारी थिंकिंग स्किल्स बढ़ती है, ठीक है ना, हम नए तरह से सेंटेंस फॉर्म कर पाते हैं, नए वर्ड्स का यूज़ करते हैं, तो उससे हमारी वोकैबुलरी बढ़ती है और हमारी जो लर्निंग पावर और थिंकिंग स्किल एंड वो सब चीज़ें इंक्रीज होती है, इसलिए हमको क्रिएटिव राइटिंग हमेशा करनी चाहिए, ठीक है। अब क्रिएटिव राइटिंग में जो एक्सरसाइज है किस चीज़ से रिलेटेड है, वो है राइटिंग अ मैसेज, एक मैसेज किस तरह से लिखा जाता है, जब आपको कभी भी कोई शॉर्ट मैसेज किसी को लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, वो चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे, ओके। वी राइट अ मैसेज टू गिव सम क्विक एंड एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन टू अनदर पर्सन, हम एक मैसेज लिखते हैं देने के लिए, टू गिव मीन्स देने के लिए, सम क्विक मीन्स जल्दी से, और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन और सेम एग्जैक्टली वही इन्फॉर्मेशन टू अनदर पर्सन, दूसरे पर्सन को एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए, मतलब जो जो चीज़ हमको बतानी है वो एग्जैक्टली सिर्फ वही बताते हैं उस मैसेज में, किसी भी पर्सन को देने के लिए हम मैसेज लिखते हैं उसको। दीज मैसेजेस आर जनरली वेरी शॉर्ट, और ये मैसेजेस जो होते हैं काफ़ी शॉर्ट वे में लिखा जाता है इनको, ठीक है, इनमें पूरे सेंटेंसेस नहीं फॉर्म किए जाते, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में इनको लिखा जाता है। अब हम देखते हैं किस तरह से लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, मदर गोइंग आउट टू प्ले विद रूही शैल बी बैक इन 20 मिनट्स प्रिया, यहाँ पर प्रिया जो है वो अपनी मम्मी को मैसेज लिख रही है कि मदर गोइंग आउट टू प्ले विद रूही, मैं बाहर जा रही हूँ खेलने के लिए रूही के साथ में, शैल बी बैक इन 20 मिनट्स, और 20 मिनट्स में मैं वापस आऊंगी प्रिया, और ऐसा करके उसने एक छोटा सा मैसेज अपनी मम्मी के लिए छोड़ दिया, एग्जैक्टली जो करने जा रही हूँ कितनी देर बाद वो वापस आएगी, तो इसको शॉर्ट मैसेज बोला जाता है, ठीक है। अब आपको बी करने के लिए यहाँ पर एक एक्सरसाइज है, राइट अ मैसेज टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम और हर दैट यू आर गोइंग टू सी अ डॉक्टर एज यू हैव फीवर, अब आपको आपके फ्रेंड को मैसेज लिखना है ये बताते हुए कि दैट यू आर गोइंग टू सी अ डॉक्टर, कि आप एक डॉक्टर को दिखाने के लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, बिकॉज यू हैव फीवर, क्योंकि आपको फीवर है, देयरफॉर यू विल नॉट बी एबल टू गो टू हिज और हर हाउस, इसलिए आप उसके घर नहीं जा पाओगे, ऐसा आपको लिखना है उसमें। तो आप कैसे मैसेज लिखेंगे, जैसे मान लीजिए आपकी फ्रेंड का नेम है रेणु, तो आप लिखेंगे डियर रेणु के बाद कॉमा लगाएंगे, टुडे आई एम गोइंग टू सी द डॉक्टर, मैं आज एक मैं जा रही हूँ टू सी द डॉक्टर, डॉक्टर को दिखाने के लिए जा रही हूँ बिकॉज ऑफ फीवर, बिकॉज ऑफ फीवर या बिकॉज आई हैव फीवर, बिकॉज ऑफ फीवर लिख सकते हैं, या फिर बिकॉज आई हैव फीवर, क्योंकि मेरे बुखार की वजह से, या मेरे को बुखार है, बिकॉज आई हैव फीवर का मीनिंग हो जाएगा क्योंकि मेरे को बुखार है, बिकॉज आई हैव फीवर ऐसे भी लिख सकते हैं, या बिकॉज ऑफ फीवर ये भी लिख सकते हैं, फीवर की वजह से, बिकॉज ऑफ फीवर का मीनिंग हो गया फीवर की वजह से, और बिकॉज आई हैव फीवर का मीनिंग हो गया क्योंकि मेरे को फीवर है, ठीक है, तो दोनों वे करेक्ट है ऐसा लिखने के लिए। उसके बाद शैल बी, आपको फिर उसके बाद ये बताना है कि देयरफॉर यू विल बी अनेबल टू गो टू हिज और हर हाउस, इसलिए आप उसके घर नहीं जा पाएंगे, फिर आप क्या मेंशन करेंगे, शैल बी अनेबल टू कम टू योर हाउस, इसलिए मैं आज तुम्हारे घर आने में अनेबल हूँ, नहीं आ पाऊंगी, इसलिए मैं तुम्हारे घर नहीं आ पाऊंगी रमा, और एंड में अपना नेम आपको लिखना है, ठीक है, ये तो मैंने वैसे ही नेम लिखा है, आपको अपना नेम लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक शॉर्ट मैसेज आकर आपने मन से सोच के कुछ दूसरा कुछ लिख सकते हो, तो वो दूसरा कुछ यहाँ पर आप मैसेज शॉर्ट मैसेज यहाँ पर लिखिएगा, लेकिन सब्जेक्ट यही होना चाहिए, ठीक है, जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको मैसेज यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अभी आपके पास बुक्स नहीं है, तो आप जब बुक आएगी तब बुक में इस मैसेज को लिखिएगा, बट अभी आपको रफ कॉपी में इस मैसेज को लिखने की प्रैक्टिस करनी है।
ठीक है, तो आपकी लिखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, आपकी थिंकिंग स्किल बढ़ेगी। आप ऐसा नहीं कि वीडियो देख के इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा रफ कॉपी में, ठीक है। जब आपके पास में बुक आएगी तब आप उसमें लिखेंगे, तो उस समय आप और बेटर कर पाएंगे उससे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।